तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आपको भी ब्लॉगर पर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो किस तरीके से आपको आगे की प्रोसेस करनी है, जैसे कि आपके ब्लॉग पर एड्स लगाना, उसके बाद सेटिंग करना, एडसेंस पर कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानकारी जानने वाले हैं। जिससे कि अगर आप भी ब्लॉगर पर काम करते हो और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो आपको आगे कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, दूसरा एक भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले, एड लगाने से लेकर कौन कौन से एडसेंस की सेटिंग करनी पड़ती है कंप्लीटली इस वीडियो में देखने वाले। तो जरूर वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीटली प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस तरीके से यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा जिस पर आपको कंप्लीटली प्रोसेस बताई गई हो। मैं आपको इस वीडियो में ब्लॉगर पर अगर एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से एड लगाने है, किस तरीके से आपकी इनकम होगी, कंप्लीटली प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद एडसेंस पर जो भी एरर आते हैं उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको सेटअप करना है, कंप्लीटली देखने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसे देख सकते हो, ब्लॉगर हमने अकैया से ओपन कर लिया, ब्लॉगर डैशबोर्ड इस तरीके से आपके पास आ जाता है। और साथ ही ऐसे एडसेंस का अकाउंट भी हमने ओपन कर लिया, यहाँ से देख सकते हो अर्निंग जैसे जीरो बता रहा है, अभी कुछ भी एड्स ऐसे एनेबल नहीं है उसकी वजह से एड्स ऐसे जीरो बता रहा है, यहाँ से देख सकते हो अर्निंग जैसे जीरो बता रहा है। तो आपको कैसे एड्स लगाने हैं, कैसे एड्स क्रिएट करनी है, किस तरीके से हर एक पोस्ट पर आप एड लगाओगे, इस पर हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। वीडियो आगे कंप्लीट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वाला जो ब्लॉग है मेरे एक सब्सक्राइबर का है जिन्होंने मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था। उन्होंने उन्होंने ऐसे सबसे पहले ऐसे एडसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उनको ऐसे लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया था, उसे ऐसे फिक्स किया था, ऐसे देखो तो इस तरीके से फिक्स किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर से एडसेंस के लिए अप्लाई किया, उसके बाद ऐसे उन्हें ऐसे सक्सेसफुली एडसेंस का अप्रूवल ऐसे मिल चुका है। तो इस तरीके से इन्होंने मुझ पर भरोसा किया, हमारे चैनल पर भरोसा किया, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें सेंड किया, उसके बाद हम ऐसे आपको सिखा सके किस तरीके से एड्स लगाना है और किस तरीके से आगे की प्रोसेस करनी है। इसके लिए हमने इनो का ब्लॉग है जो फ्री वाला, इसका यूज किया है और इन्होंने हम पर भरोसा किया है, तो इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और आगे इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसे देख सकते हो इस तरीके से ब्लॉग है और यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको एडसेंस पर आना है। एडसेंस का आपको अप्रूवल मिलने के बाद सबसे पहला एरर आपको इस तरीके से आ जाता है। सबसे पहले हम एरर सेटअप करेंगे, उसके बाद किस तरीके से आपको अपने ब्लॉग पर एड्स लगाने हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो एरर किस तरीके से फिक्स करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अर्निंग एट रिस्क का एरर आता है, इसे सेटअप करने के लिए ऐसे फिक्स नो का ऑप्शन है, इन्हें ऐसे इन्होंने यहाँ पर इस एरर को फिक्स किया है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ऐसे फिक्स नो का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, ऐसे आपका डोमेन दिख जाएगा। अगर आपने एक ही एडसेंस पर मल्टीपल डोमेन ऐसे कनेक्ट कर रखे तो वो भी डोमेन आपके पास दिख जाएंगे। उसके बाद ऐसे एड्स टीएक्सटी फाइल आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी, इसे आपको ओपन करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, ऑल कर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आओगे ऐसे ब्लॉगर डैशबोर्ड पर, आओगे सेटिंग पर, उसके बाद इस तरीके से आओगे थोड़ा सा नीचे। नीचे आने के बाद आपको एड टीएक्सटी का ऑप्शन ऐसे थोड़ा सा नीचे आना है सेटिंग पर, उसके बाद ऐसे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ऑफ रहेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने जो भी कॉपी किया है ये आपको पेस्ट करना है, देन सेव का ऑप्शन है, आप सेव इस पर क्लिक करोगे। तो इस तरीके से इस एरर को फिक्स किया जाता है, या से देखो तो ये एरर आपके पास 100% आएगा ही आएगा, अगर आप अभी आपके पास नहीं आया तो आगे जाकर आएगा। तो इस एरर को इस तरीके से फिक्स करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एरर है किसी किसी फील्ड में क्या होता है कि 24 आवर्स में अगर आपने इस तरीके से फाइल ऐड कर दी तो 24 आवर्स में एरर हट जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 महीने भी हटता नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है 5-6 महीने भी हो जाते हैं लेकिन एरर हटता नहीं। आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, इस एरर को कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एडसेंस का कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आपको जो भी फाइल है अच्छे से पेस्ट कर देनी है, उसके बाद एरर हटता है तो अच्छी बात है, नहीं तो रहता ही तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। या से देखो तो दूसरा एरर हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, या से सबसे पहला आपको दिखा देता है, या से जो यूक्रेन वार चल रहा है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आप इसे डिसमिस कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। और अभी और भी एक एरर यहाँ से आ चुका है, तो या से सेलर इंफॉर्मेशन का या से आपको एरर आ चुका है, तो आपको सिंपल ऐसे एक्शन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ से आपकी पब्लिशर आईडी दिख जाएगी और यहाँ से आपको दो ऑप्शन होंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट है ये सर इस पर आपको क्लिक करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको इस पर क्लिक करना है, या से देखो तो इस पर, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक जो सेटिंग है सेव हो जाएगी। तो इस एरर को इसी तरीके से फिक्स करना है, ठीक है, गलती से आपको यहाँ पर ए सिलेक्ट रहेगा तो इसे आपको सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली एरर हट जाएगा। तो अभी एक बार हम होम पेज पर आकर एक बार एक पेज रिफ्रेश करके ऐसे देखो तो एरर यहाँ से हटा नहीं, लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, आपने जो भी काम करना था वो कर लिया है, अभी एरर हटते या नहीं आपको कुछ भी डरने की बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट पर, या से देखो तो ब्लॉगर मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, या से मैं जाता हूँ अभी पोस्ट वाले
ऑप्शन पर। उसके बाद ऐसे इस तरीके से ब्लॉगर डैशबोर्ड है। अभी हमें यहाँ से अपने ब्लॉग पर एड्स लगाने हैं, जैसे कि ऐसे देख सकते हो सिर्फ एक नीचे से एड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ से देख सकते हो तो अभी सिर्फ एक ही एड्स एनेबल है जो कि ऑटो एड्स होते हैं, और जो भी हमारा थीम कस्टमाइजेशन होता है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक एड आ जाती है। तो ऊपर से भी एड्स आ जाएंगे ना, तो अगर हम कोई भी पोस्ट ओपन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक पोस्ट ओपन करते हैं, तो पोस्ट ओपन करने के बाद जो डिस्प्ले एड होती है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हो नीचे से एक एड आ रही है। इसी तरीके से आपको सिर्फ एक दो एड देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि पोस्ट मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ पर आपको एड्स देखने के लिए मिल जाएगी। इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो इस तरीके से आपको एड्स सिर्फ आपको डिस्प्ले एड और कुछ और नीचे से एड्स देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी आपको किस तरीके से एड क्रिएट करना है और किस तरीके से आपके हर एक पोस्ट पर एड लगानी है, और होम पेज पर भी आपको यहाँ पर नीचे एड लगाने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको साइड बार पर एड लगाने का ऑप्शन होता है, और उसके बाद यहाँ पर भी एड लगाने का ऑप्शन होता है, और हर एक पोस्ट पर आपको जगह जगह पर एड लगाने का ऑप्शन होता है, तो किस तरीके से आप यूज कर पाएंगे तो चलिए वो जान लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आना है ब्लॉगर डैशबोर्ड पर। उसके बाद ऐसे सेटिंग, और सेटिंग के ऊपर आपको यहाँ पर थीम और लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप थीम यूज करते हो उस पर अगर एड्स लगाने का ऑप्शन ऑलरेडी है, आपको वो कहाँ से देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हर एक थीम का कस्टमाइजेशन अलग होता है और एड्स लगाने का ऑप्शन अलग होते हैं, लेकिन सिंपल स्टेप में कहा जाए तो आप एक एक जो भी थीम होती है उस पर समझ सकते हो कहाँ पर आपको एड लगानी है। तो उसके लिए आपको जाना है लेआउट वाले ऑप्शन पर। तो मैं लेआउट सबसे पहले ओपन करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आपको देख लेना है एड्स के कोड कहाँ कहाँ लगाने के ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो हेडर लोगो, उसके बाद यहाँ से हेडर एड लगाने का ऑप्शन है। हेडर एड कहाँ पर आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से हेडर एड आपके यहाँ पर नीचे आएगी, तो वो मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले एड्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एडसेंस का अकाउंट ओपन करना है, एड्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से एड बाय साइट का ऑप्शन है और बाय एड यूनिट का ऑप्शन है। तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाय एड यूनिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपको एक ही एड क्रिएट करनी है। अभी आप न्यू हो तो आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, आपको यहाँ पर रिकमेंडेड लिखा रहा है डिस्प्ले एड, तो आपको इसी को यूज करना है और आगे जाकर भी इसी को यूज करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी के जो एड्स है आप ऐसे एक एक क्रिएट कर रख सकते हो, आपका यहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से एड आते हैं। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो डिस्प्ले एड्स है उसी का आपको बना लेनी है, 2 दिन आपको एड्स बना लेनी है। तो किस तरीके से बनानी नहीं है, आपको डिस्प्ले एड इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जैसे एड योर एड यूनिट का नाम आपको डाल देना है, कोई भी नाम आप डाल सकते हो कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्क्वेयर एड, जैसे कि जैसे स्क्वेयर एड, हॉरिजॉन्टल एड और वर्टिकल एड्स का ऑप्शन है। अभी स्क्वेयर एड इस तरीके से आपके पोस्ट पर दिखेगी, जैसे देख सकते हो इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल एड्स कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल एड्स आपको फुटर मेनू में, फुटर का जो ऑप्शन है वहां पर अच्छे से सुटेबल आते हैं, और जो होम का जो हमारा मेन मेनू होता है उसके नीचे हॉरिजॉन्टल एड्स अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो कहां पर भी आप एड्स लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर 3 एड देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे स्क्वेयर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल कुछ इस तरीके से बड़े एड्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको अभी नाम दे देना है, तो कोई भी नाम आप ऐसे दे सकते हो। सबसे पहले हम स्क्वेयर एड क्रिएट करेंगे, तो इसे स्क्वेयर एड ही नाम देते हैं, जिससे कि हम समझ सके कि हमने स्क्वेयर एड क्रिएट किया है, ठीक है। तो हमने ऐसे नाम दिया, उसके बाद ऐसे क्रिएट का ऑप्शन है, आप क्रिएट इस पर क्लिक करोगे। उसके पहले ऐसे देखो तो एक बात बताना भूल गया, तो अभी इसे डन करते हैं, ऐसे कोड मिल जाता है तो फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे डिस्प्ले एड पर जाता हूँ, अभी स्क्वेयर एड हमने क्रिएट की थी, ठीक है। तो फिर से हम स्क्वेयर एड नाम दे देते हैं, ऐसे स्क्वेयर एड 2 नाम देते हैं अभी, ठीक है, पहले वाले एड। उसके बाद ऐसे एड साइज का ऑप्शन है, एड साइज पर आपको रिस्पेंसिव रहेगा, इसे ही आपको सिलेक्ट रहने देना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपका ऐसे चेंज है तो आपको रिस्पेंसिव ही एड सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, इतना काम हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे एड कोड मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो इसे आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इसे आप डन कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे जैसे एड का कोड कॉपी हो जाएगा, ये एड आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि स्क्वेयर एड हमने सबसे पहले क्रिएट की, उसके बाद स्क्वेयर एड 2 हमने क्रिएट किया, इस तरीके से हमने नाम दिया सिर्फ हमें समझने के लिए। तो इसी तरीके से आपको एड्स बनाकर ले लेनी है, ठीक है। अभी मैं फिर से जाऊंगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल एड क्रिएट करूंगा, तो यहाँ से मैं हमें समझने के लिए तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल नाम दे देता हूँ, ठीक है, हॉरी एड। इस तरीके से सिर्फ आपको समझने के लिए नाम देना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको कोई भी ऐसे नाम देना ही चाहिए, आप कोई भी नाम ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन है, आप क्रिएट इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से कोड मिल जाएगा, ये कोड आपको पेस्ट करना है, कहाँ पर पेस्ट करना है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी फिर सिर्फ हम एड बनाकर ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 एड्स हो चुके हैं क्रिएट करते हैं, ऐसे देख तो स्क्वायर एड 2 और हॉरिजॉन्टल एड, तो और एक एड क्रिएट करते हैं ऐसे एड। उसके बाद अभी और वर्टिकल एड हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्टिकल, तो इस तरीके से हम इसे टाइप करेंगे, और ऐसे क्रिएट का ऑप्शन है नीचे, क्रिएट इस पर क्लिक करेंगे, तो एड्स क्रिएट हो जाएगी, यहाँ से हम डन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 एड्स क्रिएट कर लिए, और एक क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, यहाँ से जाएंगे अभी हॉरिजॉन्टल एड हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल एड इस तरीके से
टू, ठीक है। हमने कुल मिलाकर ऐसे पांच एड्स क्रिएट कर लिए अभी आपके ब्लॉग पर लगाने के लिए, आपको समझाने के लिए। उसके बाद ऐसे डन का ऑप्शन है, यहाँ से पांच एड हमारे हो चुके हैं। तो अभी आपको एड्स कैसे लगाना है इतने सिंपल लैंग्वेज में, और इस तरीके से आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा किस तरीके से आपको काम करना है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और इस बात पर जरूर एक वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी के एड्स क्या है और इन्हें आपको क्रिएट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ से इन फील्ड यानी कि आपके पोस्ट पर जो भी आप कंटेंट डालते हो उसी तरह रिलेटेड अगर आपके एड्स चाहिए तो वो एड्स आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से दिखाने के लिए यहाँ से देखते तो कोई भी एड्स ऐसे नीचे से आ जाते हैं। अगर आप ये वाली एड्स क्रिएट करते हो तो ये वाली जो एड्स क्रिएट करते हो तो आपको उसी से रिलेटेड एड देखने के लिए मिल जाएंगे जिस पर आपका कॉन्टेंट हो। तो इस तरीके से इन आर्टिकल एड होती है, मल्टीपेक्स एड होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, आपकी इनकम सेम टू सेम होती है। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको ए एड क्रिएट करनी है, ए एड क्रिएट करनी है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसी एड को यूज कर सकते हो ब्लॉगर पर, आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। और बाकी के तीन एड्स हो जाते हैं, इन्हें लोड होने में और क्रिएट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप ब्लॉगर पर काम कर दो जो रिकमेंडेड एड्स है, जो 3 महीने आपको क्रिएट करना सिखा दिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्क्वायर एड, तो ये जो एड्स है आपके ब्लॉगर पर जल्दी से इस तरीके से शो होते हैं और इसकी वजह से आपकी इनकम भी थोड़ी ज्यादा होती है। और ये जो एड्स होते हैं इन्हें शो होने में बहुत देर लगती है। अगर आप खुद ट्राई करके देखना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते हो, एड्स क्रिएट करना और ब्लॉगर पर लगाना, उसके बाद आपको थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। आपके एड्स बहुत जल्दी दिखेंगे और ये जो एड्स है बाकी के कोई भी अगर आप यूज करते हो तो आपको उन्हें लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी एड को यूज करें। उसके बाद आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन होने के बाद बाकी के आप एड्स ट्राई करके देख सकते हो। आपका ऐसे जो भी क्वेश्चन था आपका ऐसे सॉल्व हो चुका होगा कि इन एड को आपको कैसे यूज करना है। तो रिकमेंडेड जो एड है उसी को आपको अभी फिलहाल यूज करना है। उसके बाद हमने एड्स भी क्रिएट कर लिए, अब इन्हें कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ऐसे स्क्वेयर एड क्रिएट किया था, उसका कोड हमें चाहिए। तो यहाँ से आपको आगे कोड का ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट कोड, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद फिर से ये इंटरफेस आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। एक कॉपी कोड का ऑप्शन जैसे दिखते हो, कॉपी कोड यहाँ से आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली एक कोड कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद आप ऐसे डन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको आना है ब्लॉगर वाले ऑप्शन पर, आपको कहाँ कहाँ पर एड लगानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेआउट पर आपको कुछ एड्स लगाने का ऑप्शन होती है आपके थीम पर ही। तो थीम पर किस तरीके से एड लगाना है, जैसे कि हेडर लोगो। अभी हेडर लोगो कहाँ पर है तो यहाँ से देख सकते हो, मैं आपको सबसे पहले ब्लॉग ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हेडर लोगो है, उसके नीचे एड्स लगाने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हो वो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है, यहाँ से हेडर लोगो के नीचे आपको एड लगाने का ऑप्शन। तो यहाँ से हेडर एड्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके और इसे आपको ऑन करना है। तो ये पहला काम हो गया। उसके बाद ऐसे देख दो, इस तरीके से कुछ भी कोड होगा तो इसे आपको सिलेक्ट कर डिलीट कर देना है। और जो भी आपने एडसेंस का कोड एक कॉपी किया है, यहाँ से जाकर जो कोड कॉपी किया है तो यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी कर आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा कोड सेव हो चुका है। दूसरा देखते हैं इस वाले थीम पर किस जगह पर ऐड लगने का ऑप्शन है। आपके थीम पर जहां पर भी ऐड लगने का ऑप्शन है वहां पर आप इसी तरीके से ऐड लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और उसके बाद ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ से दूसरे में एड्स दिखता हूँ। ऐसे मेन पोस्ट है और उसके नीचे और यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ से भी एड्स लगाने के कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ साइड बार पर है या नहीं देखता हूँ। तो यहाँ से देख सकता हूँ यहाँ पर कहीं भी एड्स लगाने के ऑप्शन, ऐसे वाले थीम पर एड्स लगाने के ऑप्शन बहुत ही कम है। तो अभी आपको किस तरीके से और एड लगानी है डायरेक्टली, जिससे कि आपको सिर्फ एक कोड की मदद से यहाँ से जब तक आपका यहाँ से ब्लॉग ओपन होता रहेगा उस पर एड्स आते रहेंगे, इस तरीके से आपको करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जिससे कि आप अपने डायरेक्टली लेआउट वाले ऑप्शन पर जाकर ऑटो एड्स को एनेबल कर सकते हो। उन्हें कैसे आपको एनेबल कर लेना है, जैसे कि हमने सबसे पहले ऐसे हेडर एड लगा दिए। तो यहाँ से हम एक बार जाएंगे और एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से हमने पेज रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ से हेडर एड आना शुरू हो चुका है, यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से एड बाय गूगल ऐसे दिखते। तो इस तरीके से हमने हेडर एड सबसे पहले ऑन कर दी। अभी हमें दूसरे एड्स एंड ऑन करना है। तो यहाँ से हेडर पर हमने एड लगा दी। तो यहाँ से सबसे पहले और दूसरे कहाँ पर हमें एड लगानी है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक एड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से मेन मेनू के नीचे हमने एड लगानी है। तो यहाँ से सबसे पहले मेन मेनू आपके ऊपर ढूंढ लेना है। तो यहाँ से देख सकते हो मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे जाता हूँ, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर ऐसे यहाँ से एड लगा दी। उसके बाद मेन मेनू है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से आपको हॉट पोस्ट डायो देखने का ऑप्शन है। तो यहाँ से देख सकते हो हॉट पोस्ट, इसे आपको एडिट करना है। तो अभी आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से हॉट पोस्ट का ऑप्शन है और ऐसे HTML JavaScript ऐड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो हॉट पोस्ट ऐड कर सकते हो। पोस्ट का भाग है तो अभी मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसे हम अभी इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट, और जिससे कि
हम ऐसे दूसरा कोड ऐसे लगा सके, ऐसे दे सकते हो। उसके बाद ऐसे ऐड गैजेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको क्लिक करना है और एडसेंस का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, जैसे आपको ऑटोमेटिकली ए सिलेक्ट रहेगा, ऑन रहेगा, और ऐसे नीचे रिस्पेंसिव सिलेक्ट रहेगा। अभी आपको सिर्फ सेव का ऑप्शन है, अभी आपको यहाँ पर सेव इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली हॉट पोस्ट पर ऐसे एडसेंस का ऐसे कोड आ जाएगा, ऐसे एड्स आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से पेज रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ से देख सकते हो पेज हमने रिफ्रेश कर लिया, तो अभी एड्स लोड हो रहा है। यहाँ से आपको यहाँ पर नीचे एड देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका काम हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमने एड लगा दी। तो उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ा सा और नीचे एड लगानी है, जैसे कि एक पोस्ट है, ठीक है, और पोस्ट के नीचे हमें यहाँ से एड लगानी है, और नहीं तो हमें यहाँ से ये साइड बार है, साइड बार के नीचे हमने ऐसे पॉपुलर पोस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि यहाँ से सबसे पहले ऐसे सोशल प्लगिंग है, और उसके नीचे हमें ऐड लगानी है, सोशल प्लगिंग के नीचे ऐड लगानी है। तो हमें कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सोशल प्लगिंग लिखा आ रहा है, ऐसे देख सकते हो तो इस तरीके से। तो अभी हमें इसके नीचे ऐड लगनी है, तो यहाँ से हम जाएंगे ऐड अ गैजेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास नजर आ जाएंगे। अगर अब आप ऐसे एडसेंस का कोड पेस्ट करना चाहते हो तो HTML जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अगर आपको ऑटोमेटिकली एड्स आना चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो एडसेंस आप यूज करोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले HTML जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐसे एड्स लगाएंगे। तो यहाँ से हम एड्स टाइप करेंगे, और यहाँ से सबसे पहले न्यू एड टाइप करते हैं, जैसे कि न्यू एड्स इस तरीके से, सॉरी ऐसे न्यूज हो गया, तो ओके। और उसके बाद जो भी हमारा कोड है हम पेस्ट करेंगे, और सेव का ऑप्शन है, हम सेव इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ से सेव कर लिया, उसके बाद एक बार पेज रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखो तो एड्स आना शुरू हो चुका है, यहाँ से सोशल, यहाँ से देखो तो सोशल के ऊपर। तो इस तरीके से हमने ऐप पर एड लगा दी, ठीक है, दूसरी भी एड हमने लगा दी। तो यहाँ से देखो तो अगर आपको सोशल के नीचे लगानी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि इससे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है, ठीक है, और इसके नीचे छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हमारा काम ऐसे हो चुका है, अभी हम यही पर रहने देंगे। ऊपर जो एड्स होते हैं उन पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं, तो इस तरीके से आप एड्स ऊपर नीचे भी ले सकते हो। अभी हम थोड़े से और नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद ऐसे और एड लगाने का ऑप्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पर एड लगा दी, जैसे सोशल प्लगिंग है, और साइड बार की बात कर रहे हैं, अभी आपको ये भी ध्यान में रखना है, टेक्नोलॉजी और कैटेगरीज और टैक्स है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से टैक्स और कैटेगरी के यहाँ पर बीच में ऐड लगानी है। तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन पर, और टैक्स और कैटेगरी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से ऐड गैजेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। ऑटो एड्स अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐसे एड्स पर क्लिक करोगे, आपको कुछ भी कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ऐसे रिस्पेंसिव सिलेक्ट रहने देना है, और सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली एडसेंस का इस तरीके से आ जाएगा, इसे आपको ऊपर नीचे लेने का ऑप्शन है, तो आप ऐसे ऊपर नीचे ले सकते हो, जैसे कि कैटेगरी और टैक्स के नीचे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट काम, और उसके बाद एक बार पेज हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं पेज रिफ्रेश करके, यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ से टैक्स और कैटेगरी पर ऐड नहीं आई, तो एक बार आपको यहाँ पर ये सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जाएंगे और सेव करेंगे, क्योंकि आप ऊपर नीचे लेते हो तो आप ऐसे सेव नहीं करते, तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होती। उसके बाद आपके एड्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ कहाँ पर एड लगाई है, यहाँ पर एक एड लगाई है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एड्स देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ से सोशल प्लगिंग के नीचे कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि इसे आपको यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ से सोशल प्लगिंग के नीचे कुछ इस तरीके से, यहाँ से देख सकते हो ऐसे, जैसे कि पॉपुलर पोस्ट है और सेम पोस्ट, तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे पॉपुलर पोस्ट के ऊपर, तो पॉपुलर पोस्ट के ऊपर जो भी है आपके ऊपर हटा देना है, तो सोशल प्लगइन के नीचे। अभी ये जो थीम का है ये हम इसे हाइड करेंगे, जिससे कि एरर हट जाए। तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इसे ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। जो भी इस तरीके से आपको एरर आता है, तो उसे आपको इसी तरीके से फिक्स करते जाना है। तो अभी फिलहाल हम इसे रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर पर ऐसे सेटअप कर सकते हो। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं सारे के सारे एड्स आते हैं नहीं, जैसे ब्लॉगर पेज मैंने रिफ्रेश कर लिया, जैसे देखो तो सबसे पहले होम पेज पर हमने यहाँ से एड लगा दी थी ऊपर वाले ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ पर हमने एड लगाई थी, उसके बाद यहाँ से देखो तो न्यू एड का ऑप्शन था एक नंबर पर, हमने यहाँ से एड लगाई थी। उसके बाद जैसे सोशल प्लगिंग और नीचे आने के बाद यहाँ से कैटेगरी और टैक्स के नीचे हमने एड लगाई थी, ऐसे कैटेगरी और टैक्स के बीच में, जैसे देखो तो यहाँ पर एड्स आना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर काम हो चुका है। अभी हम यहाँ से मेन मेनू पर जो रिसेंट पोस्ट है उनके बीच में नहीं तो लास्ट में एड लगाना चाहते हो यहाँ पर, जिससे कि थोड़ी अच्छी इनकम हो सके। तो अभी हम जाएंगे और यहाँ से रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन है, हम उसे देखेंगे। तो यहाँ से हमने ऐड लगा दिया, उसके बाद यहाँ से रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन सबसे पहले आप ढूंढ लेना है। आप ऐसे नीचे आओगे तो यहाँ से मेन पोस्ट है, और उसके नीचे ऐसे देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी यहाँ से कमेंट्स का ऑप्शन है, और यहाँ से ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है, और नीचे आपके यहाँ पर एड्स लगाने का ऑप्शन है, यहाँ से ट्रांसलेट नेचर, उसके बाद स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपकी थीम जो भी है उस रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आपको सिंपल एडिट पर जाना है, और इसे रिमूव का ऑप्शन होता है, तो आप ऐसे रिमूव इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन ऐसे इसी तरीके से रिमूव कर सकते हो, जिससे कि आपके थीम पर ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे जिन्हें आप ऐसे यूज नहीं करते, उस तरीके से आपको उनको रिमूव कर देना है, तो ठीक है। तो इस तरीके से
जितने भी आपको नहीं चाहिए तो उसे ऑफ कर देने, देन रिमूव कर देने, तो इनका कोई काम नहीं है। यहाँ पर भी ऊपर देख सकते हो, इतने ज्यादा ऑप्शन होंगे आपके पास। आप कोई भी दूसरी टीम लगाते हो तो उस पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन आपको नहीं चाहिए तो उसे आपको रखना ही क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो सोशल मीडिया आइकॉन, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिन्हें यूज ही नहीं किया जाता, तो इन्हें हम ऐसे सिंपल ऐसे रिमूव कर देंगे। इस तरीके से जो भी नहीं चाहिए वो रिमूव कर देना। अगर आपको चाहिए तो आप फिर से भी ले सकते हो। यहाँ से ऐड गैजेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ब्लॉग सर्च, ऐसे देखो तो इतने सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर देखो तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो सारे के सारे ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हो। और यही ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए, जो भी नहीं चाहिए उसे आपको सिंपल रिमूव कर देना है। अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ दो तीन रिमूव किया है, बाकी आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी एड हमने कहाँ पर लगाई है और कौन से ऑप्शन कहाँ पर है। तो चलिए अभी आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जैसे कि हमें यहाँ पर एड लगानी है, जैसे नीचे से यहाँ पर हमें एड लगानी है, तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर देखो तो गैजेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दो ऑप्शन ऐसे ऑन कर करके जिनका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इसे हम रिमूव करेंगे सबसे पहले, तो रिमूव कर दिया, म्यूजिक का भी हो यहाँ से कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ से म्यूजिक को भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐड गैजेट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और एडसेंस के ऐड लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे रिस्पॉन्सिव भी ऐड ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कोड पेस्ट कर सकते हो। कोड किस तरीके से पेस्ट करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके यहाँ पर कोड कुछ भी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेआउट के जितने भी एड्स है, आप एडसेंस के ऐड जो ऑप्शन होता है उसे आप सिलेक्ट रहने देंगे, देन आपके यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोड आ जाएगा, सेव का ऑप्शन है, आप सेव इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से सेव होने के बाद आपको एक बार पेज में आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ऐसे देख सकते हो सेव लिखा आ रहा है और ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो यहाँ से जाएंगे और पेज को हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, अभी एड्स थोड़े से लोड हो रहे होंगे इसलिए थोड़े से आपको आने में देर हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ से यहाँ पर भी एड लगा दिया, ठीक है। और नीचे फुटर मेनू पर हमें एड लगानी है, यहाँ पर भी एड लगानी है, यहाँ पर भी एड लगानी है, यहाँ पर भी एड लगानी है, तो वो किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फुटर मेनू है, फुटर मेनू पर किस तरीके से ऐड लगाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यस देख सकते हो लेफ्ट सेंटर और राइट, ये फुटर बार है, आपको यहाँ पर इस तरीके से लेआउट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से ऐड लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको सबसे पहले लेफ्ट यानी कि ये वाला फुटर, ठीक है, और सेंटर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंटर वाला, ये वाला सेंटर, और जो राइट होता है राइट वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्स लगाने हैं, तो किस तरीके से आप ऐसे ऐड लगाओगे, डायरेक्टली फुटर मेनू पर भी ऐड लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे ऊपर ऐड लगा सकते हो। जैसे कि लेफ्ट में मुझे ऐड लगानी है, तो मैं जैसे ऐड गैजेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा, एडसेंस का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूंगा, सेव का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमें नीचे ऐड लगानी है, यहाँ से हम नीचे इसे लेंगे और यहाँ से ये ऐड सेटअप हो जाएगी। अभी हम सेव करेंगे, तो आपको दिखा देते हैं एक बार पेज रिफ्रेश करके, ऐसे इसे सेव होने देते हैं, ऐसे देख सकते हो सेव हो रहा है, तो इसे सेव कंप्लीटली होने देना है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर और एक बार ब्लॉक को हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ से हम थोड़े से नीचे आते हैं तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है क्योंकि हमने अभी नया ऐड लगाया है, इसलिए यहाँ से गैप दिखा रहा है, लेकिन ये लोड होने के बाद यहाँ से ऐड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर भी ऐड देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हमने ऐड लगाया था वो भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको ऐड देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें दूसरे भी ऐड लगानी है तो हम किस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि सेंटर में लगाना है तो हम ऐसे ऐड गैजेट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडसेंस का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड बार पर, सॉरी राइट जो फुटर मेनू है उस पर भी ऐड लगाना चाहते हैं, तो ऐसे जाएंगे, एडसेंस का ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर, ऐसे सेव का ऑप्शन है हम इसे सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद ऐसे एक बार सेव सेटिंग का ऑप्शन है वो सेव कर देंगे, ऐसे देख सकते हो सेव हो चुका है। अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ फुटर पर कहाँ कहाँ पर ऐड आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से सेव हो चुका है, ऐसे देख सकते हो सेविंग हो रहा है, और यहाँ से जाएंगे और एक बार आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाई देंगे, यहाँ से देख सकते हो यहाँ से नीचे से ऐड आ रही है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऐड आ रही है, और यहाँ पर भी ऐड आएगी, यहाँ पर भी ऐड आएगी, तो इस तरीके से आप एड्स लगा सकते हो। और यहाँ से अगर आपको छोटी छोटी ऐड लगानी है तो वो किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब हमें यहाँ से वो एड्स हटा देने सारे के सारे, तो हम इसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से रिमूव हो चुका है, और यहाँ पर भी इसे भी रिमूव करेंगे, इसे एडिट करेंगे और इसे रिमूव करेंगे, ठीक है। इतने भी ज्यादा एड्स नहीं लगाने, जिससे कि आपको एड्स लिमिट लग जाए, ज्यादा एड्स भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो आपको एड्स यहाँ पर लगाने की कोशिश करनी है ऊपर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जिससे कि जो भी ब्लॉग ओपन करता है ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन पर ज्यादा क्लिक्स होते हैं और उसकी इनकम भी ज्यादा होती है, नीचे ज्यादा कोई जाता नहीं, देखता नहीं, और एड्स आते रहते हैं, और आपको यहाँ पर ज्यादा एड्स आते हैं लेकिन अर्निंग कम होती है, ठीक है। तो ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा एड लगाने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और इस वाले कोड को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ से जाएंगे और रिमूव, ठीक है, और यहाँ से ऐड गैजेट का ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरी ऐड लगाएंगे, यहाँ से हम कोड की मदद से ऐड लगाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्क्वेयर ऐड का एक कोड कॉपी करेंगे, जैसे कि ये वाला कोड हम कॉपी करेंगे, यहाँ से जाएंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ से फुटर ऐड का नाम देंगे, यहाँ से जैसे कि फुटर ऐड, ठीक है, तो इस तरीके से हमने नाम दिया,
और उसके बाद सेव का ऑप्शन है, सेव इस पर क्लिक करेंगे तो ये कम्प्लीटली सेव हो चुका है। तो अब देखते हैं कि कम एड और थोड़े से अच्छे देखने के लिए एड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखे तो सिर्फ हमने यहाँ पर एड्स आपको लगाकर दिखाई है, यहाँ पर पोस्ट दिखेंगे मोस्ट रिसेंट, उसके बाद मोस्ट पॉपुलर और बीच में एड, तो इस तरीके से देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप भी सोच समझ कर एड लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एड देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आपको रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एड देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एड्स लगा सकते हो। बाकी के जो भी ऑप्शन है जहां पर भी आपको एड लगानी है, सारे के सारे आपको ऑप्शन देख लेना है, उसके बाद आपको चाहे वहां पर आपको जहां पर भी एड लगानी है वहां पर आप एड लगा सकते हो। यहाँ पर भी अगर आपको एड लगानी है तो आप जाओगे यहाँ पर, उसके बाद जैसे जावास्क्रिप्ट, अभी दूसरी एड लगाकर दिखाते हैं आपको, अभी इसे हटाकर जैसे हॉरिजेंटल आपको एड सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे गेट कोड का ऑप्शन है, कोड हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कोड को पेस्ट कर देंगे उसके, ठीक है। उसके बाद एड्स का नाम देंगे और यहाँ से सेव का ऑप्शन है, सेव इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमने एड सेव कर दी, ठीक है। तो एक बार पेज आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पर अभी एड्स आ रहे हैं। तो यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हो, तो हमने यहाँ पर एड लगाई, यहाँ पर एड लगाई, उसके बाद यहाँ पर और पोस्ट के नीचे और ऐसे यहाँ पर भी ऐड लगा दी। तो इतने एड्स काफी है आपके लिए। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लॉगर पर जो होम पेज है उस पर एड्स लगा सकते हो। ये हमारा काम हो चुका है होम पेज पर एड लगाना। यहाँ से देखो तो कितने अच्छे से सारे के सारे एड्स आना शुरू हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप मैनुअली पोस्ट पर एड लगा सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस पर काम करते हो तो वन क्लिक में आप सारे के सारे पोस्ट पर एड लगा सकते हो, लेकिन ब्लॉगर पर इस तरीके से नहीं होता। आपको एक एक एड्स लगानी पड़ती है। जैसे कि एक पोस्ट में ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे गुड न्यूज, ये मैं एक पोस्ट ओपन करता हूं, तो इस पोस्ट को मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जो भी ऑटो एड्स है, जैसे कि साइड बार की एड्स यहाँ पर आ जाएगी, बाकी दूसरी एड्स में आपको बता देता हूँ, नीचे की जो एड्स है वो भी आ जाएगी और बाकी के जितने भी एड्स है वो आ जाएंगे। लेकिन पोस्ट पर जैसे कि ये पोस्ट है, यहाँ पर कुछ भी एड्स नहीं आएंगे, यहाँ पर हमने एड ही नहीं लगाए। तो आपको सबसे पहले पोस्ट पर भी एड लगानी पड़ती है। तो ये सारे के सारे एड्स आपको मैनुअली लगाने पड़ेंगे। मैनुअली किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे एड्स वाले ऑप्शन पर, जैसे ब्लॉगर वाले ऑप्शन पर सॉरी, उसके बाद जाएंगे पोस्ट वाले ऑप्शन पर। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। जैसे कि ऐसे 39 पोस्ट है, तो 39 पोस्ट पर आपको एक एक पोस्ट को सिलेक्ट कर एड लगाने पड़ेंगे। एक बार लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जो भी न्यू पोस्ट आप क्रिएट करते हो, न्यू पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपको उसे पब्लिक करने के बाद, पब्लिश करते हो उसके पहले आपको एड लगा देना है, उसके बाद पब्लिश कर लेना है, जिससे कि आपका एड्स अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से आगे वाले पोस्ट पर आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी एडसेंस का अप्रूवल मिला है, उसके बाद 39 पोस्ट हमने जैसे डाल दिए थे, उन पर भी हमें एड लगानी है जो कि पिछले वाले पोस्ट है। जैसे कि हमें जैसे इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाते है, इस पोस्ट पर ऐड लगानी है, तो हम इसे ओपन करेंगे। उसके बाद ऐसे एड्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कौन कौन सी एड्स आपको लगानी है। जैसे कि हमने चार पांच ऐसे एड्स क्रिएट कर लिए, तो सबसे पहले हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एड्स लगाएंगे। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल का गेट कोड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, उसका कोड कॉपी करेंगे, उसके बाद इस तरीके से पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ऐसे जो इमेज है और यहाँ पर लिखा आ रहा है इंस्टाग्राम क्या है, तो इसके नीचे हमें ऐड लगानी है। तो हम जाएंगे यहाँ से देख सकते हो ऐसे एडिट जो व्यू एचटीएमएल का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे व्यू एचटीएमएल का ऑप्शन आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है कहाँ कहाँ पर आपको ऐड लगानी है। तो यहाँ से देख सकते हो इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए, यहाँ पर हमें इसके नीचे ऐड लगानी है। तो यहाँ से देख सकते हो हम यहाँ से इसके नीचे ऐड लगाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये देखना है, ये जो एरो होता है, जैसे देख सकते हो, तो ये जो एरो होता है इस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, इस एरो के आपको आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपके पैराग्राफ का ऑप्शन है यहाँ पर भी इस तरीके से एरो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से देख सकते हो इस वाला एरो पर, तो इस एरो के आगे आपको एक बार एंटर दबाना है, उसके बाद पेस्ट आपको जो भी कोड आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको सेव अपडेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो चाहो तो आप एक बार और एंटर दबा सकते हो जिससे कि थोड़ा गैप हो सके इस तरीके से, और उसके बाद अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो एड्स है कहाँ पर लगेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने इसे कॉम्पोज व्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये एड आ जाएगी। तो यहाँ से एक बार मैं अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जाएंगे और वो वाली पोस्ट हम यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो ब्लॉग, हम सबसे पहले यहाँ से होम पेज पर जाते हैं और होम पेज पर जाने के बाद वो वाली पोस्ट हम यहाँ से ओपन करते हैं। बाकी के सारे एड्स आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से, तो यहाँ से देख सकते हो हम यहाँ से इंस्टाग्राम के थोड़े से नीचे से यहाँ पर एड लगाई थी, अच्छे से पढ़ा नहीं था, लेकिन यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर एड्स आना शुरू हो चुका है। बाकी हमें दूसरी भी एड्स ऐसे नीचे लगानी है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ऐड लगानी है और यहाँ पर भी बीच में कहीं पर भी ऐड लगानी है। तो सिंपल वही प्रोसेस करेंगे, कोई भी यही कोड आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको दूसरा कोड ही कॉपी करना पड़ेगा, एक ही एड का कोड
आप 3 4 जगह पर पेस्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एड्स भी डिफरेंट आएंगे, अलग अलग एड आएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक कोड है, हम इसी कोड को एक ही पोस्ट पर 4 5 जगह पर यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एड्स भी अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगा, इनकम भी आपकी सेम टू सेम होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ से ओरिजेंटल हमने एड यहाँ से लगा दी थी, अभी स्क्वायर एड का कोड कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से जाएंगे और जहाँ पर भी एड लगानी है तो फिर से यहाँ से वही स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे HTML व्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी एड लगानी है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एड लगा दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से यहाँ से यहाँ पर ऑलरेडी एड है, जैसे दिखे तो। और उसके बाद यहाँ पर हमें एड लगानी है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको इस तरीके से एरो दिखेगा उसके आगे आपको एक बार टैप करना है, देन इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, उसके बाद कोड पेस्ट करना है, उसके बाद आप चाहो तो इंटर दबा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद आपको ऐसे अपडेट का ऑप्शन है, आप अपडेट इस पर क्लिक करोगे, चाहो तो यहाँ से कॉम्पोज व्यू का ऑप्शन है, उसके बाद ऐसे अपडेट, ठीक है। ये काम हमारा हो चुका है। तो फिर से एक बार हमने ऐसे 3 जगह पर ऐड लगाई, तो एक बार फिर से पेज हम ऐसे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर एक ऐड है, यहाँ से देखो तो ऐड बाय गूगल, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको न्यू एडसेंस का अकाउंट या से एडसेंस का अपलोड मिला है, न्यू एडसेंस का अपलोड मिला है, तो आपको अपने ही ब्लॉग को, यानी कि अगर आप अपने ही ब्लॉग को ओपन कर अपने ही ऐड पर क्लिक करते हो, तो इस तरीके से गलती से भी आपको होने ही नहीं देना, ठीक है। अगर इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया है तो इस तरीके से गलती से भी यहाँ पर क्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप करते हो तो आपको तुरंत एड्स लिमिट लग जाएगा। गूगल का एड लिमिट क्या होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, तो उस पर आप जाकर देख सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपकी एड्स ही नहीं आएंगे आपके पोस्ट पर, इस तरीके से जो एड्स आ रही है ना, ठीक है, तो आपके ब्लॉग पर एड्स ही नहीं आएंगे, एड्स लिमिट लग गया तो, ठीक है। तो उसके बाद आपकी इनकम ही नहीं होगी, इनकम ही नहीं होगी तो किस तरीके से आप पैसे कमाओगे। तो इसलिए आपको इस तरीके से नहीं करना कि आपकी पोस्ट ओपन कर आप खुद ही उस पर एड पर क्लिक करते हो, तो इस तरीके से गलती से भी नहीं होने देना, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो इस तरीके से सारे के सारे एड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हमने एड लगा दिए, तो इस तरीके से सारे एड्स आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से देखो तो यहाँ पर भी एड्स है, यहाँ पर नीचे भी एड्स है, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने राइट साइड बार पर भी एड लगाए थे, सारे के सारे एड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारा काम हो चुका है, तो अब हम दूसरी पोस्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर इसी पर भी इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, HTML पर जाना है, जहां जहां पर आपको एड्स लगानी है। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ से यहाँ पर एड लगाने चाहते हैं, तो वो कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको काम करते जाना है। तो यहाँ पर हमने कोड पेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर से जाएंगे और नीचे दूसरे यहाँ पर डायरेक्टली लास्ट में यहाँ से ऐड लगाना चाहते हैं, तो हम लास्ट में जाएंगे और यहाँ से वो कोड पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोड हमने पेस्ट कर लिया। सो अभी आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ी सी बड़ी पोस्ट थी इसलिए हमने यहाँ पर ऐड लगाई है, उसके बाद थोड़ी सा ऊपर यहाँ से एक ऐड लगाई है, यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर भी ऐड है, ठीक है। 4 जगह पर यहाँ पर ऐड लगाई है इस पर, ठीक है। तो इतना बड़ा पोस्ट है यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से। अब आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि हम अपने ब्लॉगर पर कितने एड्स लगा सकते हो एक पोस्ट पर, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर एक बार अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस बता सकूँ। तो यहाँ पर जाएंगे और एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले पेज को हमने रिफ्रेश कर लिया, तो इंस्टाग्राम इस पेज पर हमने यहाँ से ऐड लगाई है। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर पेज पर ऐसे फोटो के नीचे ऐसे एक ऐड है, ऐसे देख सकते हो। दूसरी ऐड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, तीसरी एड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सेम टू सेम एक ही कोड पेस्ट किया है, उसके बावजूद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से अलग अलग ऐड आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से हमने 3 4 ऐड लगाई है, तो यहाँ से इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम एक पोस्ट पर कितने एड्स लगा सकते हो, तो इतनी बड़ी पोस्ट है तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर इतनी बड़ी पोस्ट हो तो आप आराम से 4 5 ऐड लगा सकते हो। अगर थोड़ी छोटी पोस्ट हो, तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपकी पोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसमें 2 ऐड लगा सकते हो। तो आपको एक कोशिश करना है कि थोड़ा सा आपको थोड़े बड़ी पोस्ट हो तो उसमें 4 5 ऐड लगा सकते हो, थोड़ी छोटी पोस्ट हो तो 2 3 ऐड आप लगा सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। तो इस तरीके से आप दूसरे भी पोस्ट पर ऐड लगा सकते हो, ये अपडेट हो चुका है। तो हम इसी तरीके से सारे पोस्ट में ऐड लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 पोस्ट पर ऐड लगा दिए, तो तीसरे पोस्ट पर ऐड लगानी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस है, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और भी सेटिंग है, जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ये इसे स्किप कर नहीं जाना, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में सारी प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश की है। आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं न्यू ब्लॉगर के, किस तरीके से ऐड लगानी है, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश की है। जरूर आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, यहाँ से आपको जाना है HTML व्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके जैसे हमने यहाँ पर डन करेंगे, तो उसके बाद दूसरा कोड लेंगे, यहाँ से देख सकते हो हॉरिजॉन्टल ऐड, अभी इस कोड को यूज करते हैं, तो कोई भी कोड आप यूज कर सकते हो। इसे हमने कॉपी कर लिया, तो इसे हटा कर जाएंगे ऐसे ब्लॉगर वाले अकाउंट पर, और उसके बाद ऐसे इस तरीके से ऐसे देख सकते हो, जहां पर भी आपको एड्स लगाने का लगता है, जैसे आपको थोड़ा पढ़ लेना, जैसे आपको समझ में आ जाएगा एड कहाँ पर जाएगी, तो यहाँ से हम यहाँ पर एड लगा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर एक ऐड लगा देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऐड लगा देते हैं और टाइटली, और अब लास्ट में ठीक है वीडियो के सॉरी यहाँ पर जो पोस्ट के लास्ट में थोड़े लास्ट के ऊपर यहाँ से एक ऐड लगा देते हैं। चार एड्स हमने लगा दिए, यहाँ से कॉम्पोज ऊपर जाएंगे, अपडेट का ऑप्शन है हम अपडेट करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे और जो पोस्ट पर हमने ऐड लगाई थी जैसे कि फाइवर, तो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो तो इस पोस्ट पर हमने एड्स लगाए, तो यहाँ से देखो तो आपको एड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप जब भी ऐड लगाते हो तुरंत ऐड नहीं आते, आपको थोड़े से 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आप कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करते हो, अभी एक और क्वेश्चन है कि जो भी न्यू पोस्ट क्रिएट करते हो न्यू पोस्ट पर एड्स आने में कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं, कभी कभी 5-10 मिनट में एड आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5-6 घंटे भी लग सकते हैं आपके न्यू पोस्ट पर एड आने में, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, वेट करना है ऑटोमेटिकली एड्स आ जाएंगे। तो ऐसे देख सकते हो खाली जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी खाली जगह दिखाई दे रहा है, तो एड्स लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस तरीके से आपको वेट करना है, कोई भी डरने की बात नहीं है ऑटोमेटिकली एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पेज रिफ्रेश करते जाना है और यहाँ पर देखो तो एड्स आना शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी ऐड है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर भी ऐड है, उसके बाद ऐसे देखो तो यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर नीचे भी हमने एड्स लगाई थी, यहाँ से देखो तो लास्ट में ये भी एड्स आ रही है, यहाँ पर भी ऐड है और यहाँ पर भी ऐड है और नीचे भी आपको ऐड देखने के लिए मिल जाएंगे। इतने सारे एड्स हमने लगा दिए है, अब हमारे ब्लॉग पर कोई भी थोड़ा बड़ा टॉपिक आ जाता है तो थोड़े से टॉपिक पर भी हमारी थोड़ी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। तो इस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। हमने इस वीडियो में आपको एड्स क्रिएट करना, एड्स लगाना, एडसेंस के जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके अदर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।